दिन पहले मैं कराची से कश्मीर गया, एक हफ़्ते के लिए गया। तो उसका मैंने एक व्लॉग बनाया जो कि 3-4 हिस्सों में है। तो ये जो व्लॉग अभी आप देख रहे हैं, इसमें कराची से लेकर पिंडी तक का सफ़र जो है वो रिकॉर्ड है। कराची स्टेशन से हम बैठे और कराची स्टेशन से हम पिंडी तक कैसे पहुँचे, रास्ते में क्या क्या चीज़ें आई, ये फर्स्ट व्लॉग है। बाकी इसके अगले व्लॉग में आपको कश्मीर भी दिखेगा, फिर रास्ते के मनाजिर दिखेंगे, फिर जो मैं कश्मीर से वापस आया तो वो भी दिखेगा। मैं सोच रहा था कि हमें कोई खाली एक्स्ट्रा लोग ना आ जाएं, कि जो हम चार हैं हम चार ही रह जाएं, बाकी की दो फेल ना हो। तो ऐसा ही हुआ, पूरे रास्ते बाकी के दो पैसेंजर नहीं आए। वो टीटी ने रख ली थी कि हमारी सीट है, टीटी ने अपने लिए रख ली थी, और पूरी रात टीटी भी नहीं आए। टीटी आए थे नेक्स्ट डे, तो तब तक उस पूरे रूम पे हमारा ही कब्जा था। हम आराम से लेट के बैठ के सुकून से आए। अभी हम लोग पहुँच गए हैं हैदराबाद। हैदराबाद स्टेशन पे हम लोग रुके हैं, तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मेरी ट्रेन के अंदर का हिस्सा है। दरवाज़ा खोल के अंदर की तरफ जाते हैं तो पहले ही जो डब्बे के अंदर पहले ही जो रूम था वो हमारा ही था। ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको रूम दिख रहा है जहाँ मैं अभी टर्न होता हूँ, ये हमारा रूम था, जिसमें चार की चार सीटें हमारी और बाकी दो हमें फ्री में मिल गई थी क्योंकि कोई था नहीं। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, ये रास्ते के कुछ मनाजिर हैं जिसमें कुछ खेत आए, कुछ हरियाली आई, कुछ सब्ज़ा आया। ओके, तो अभी हम पहुंच गए लाला सर स्टेशन। पहले हम निकले कराची से हैदराबाद रुके, उसके बाद अभी लाला सर स्टेशन पे रुकी है। अब देखते हैं आगे कहां कहां जाती है, तब तक आप नज़ारे इंजॉय करें। यहां हम पिंडी स्टेशन उतरे, और पिंडी स्टेशन उतरने के बाद शायद सेकंड दफ़ा आया था मैं पिंडी स्टेशन, तो ये कुछ शॉर्ट्स बनाए थे पिंडी स्टेशन के कि अब ट्रेन से निकल के हम स्टेशन के बाहर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और ये मैं हाथ में बोतल लेके, बैग लेके एक ट्रैवलर की तरह स्टेशन से बाहर की तरफ रवाना हो रहा हूँ। पिंडी स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें एक हाई रूफ वाला मिल गया था, जो कि आपको अभी नज़र आ रही है स्क्रीन पर। तो हमने टाइम ज़ाया करने के बजाय हमने कहा जो गाड़ी पहले मिल रही है उसको पकड़ते हैं और सीधा फैज़ाबाद जाते हैं। तो फैज़ाबाद जाने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी था कि हम मेट्रो पकड़ते और मेट्रो से जा सकते थे, लेकिन हमने ये गाड़ी की, क्योंकि मेट्रो स्टेशन तक जाना फिर उसमें बैठना,
तो हमने कहा जो गाड़ी मिली वो पकड़ो, उसके अंदर बैठे। ये रास्ते में जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर रेड कलर का, ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से मेट्रो गुजर रही होती हैं। तो ये रास्ते के कुछ मनाजिर हैं जो हम पिंडी स्टेशन से फैज़ाबाद तक का सफ़र गुज़रा।